फ्रेंड्स नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाले हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको राइट सोना चाहिए, लेफ्ट सोना चाहिए या फिर सीधा सोना चाहिए, कैसे पोजीशन में सोना बच्चे के लिए अच्छा होता है, कैसे पोजीशन में सोने से आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है। मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दें। अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कर दें, स्पेशली उन लेडीज़ के साथ जो प्रेग्नेंट हैं, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको किधर सोना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान आप लेफ्ट सोइए या फिर राइट सोइए, ये डिपेंड करता है आप पर, आपके बच्चे पर, कि आपको किस साइड ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है। कुछ लेडीज़ को फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर तक लेफ़्ट साइड सोना ज़्यादा अच्छा लगता है, उसके बाद उनको थर्ड ट्राइमेस्टर में राइट सोना ज़्यादा पसंद आता है। तो डिपेंड करता है आप पर कि आप किस साइड सोना ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, लेफ़्ट या फिर राइट। आपको सीधा बिल्कुल नहीं सोना है, सीधा सोने से आपके बच्चे को मूवमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, आपके बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है लेकिन अंदर बच्चे को बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए आपको पूरी प्रेगनेंसी, जब से आप प्रेग्नेंट हो रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आपको बिल्कुल सीधा नहीं सोना है, क्योंकि अगर आपके बच्चे को प्रॉब्लम होगा तो फिर वो चीज़ आप भी नहीं चाहेंगे कहीं ना कहीं कि हाँ मेरी वजह से मेरे बच्चे को प्रॉब्लम हो। तो अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चे को कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, मूवमेंट में कोई दिक्कत हो, सांस लेने में कोई दिक्कत हो, किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो, तो आप बिल्कुल सीधा मत लेटिए। एक मैटरनिटी पिलो आता है, आप वो मंगा सकते हैं, नहीं तो अगर आप खर्चा नहीं भी करना चाहते हैं तो घर का जो पिलो है आप वो यूज़ कर सकते हैं। घर का नॉर्मल पिलो आप अपने पैरों के बीच में रख लीजिए ताकि पेट का भार आपके दोनों पैरों पर ना पड़े, पैरों में क्रैम्प्स ना स्टार्ट हो जाए, और उससे आप ज़्यादा देर तक कंफर्टेबल होकर लेट भी सकते हैं और सो भी सकते हैं। अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होगा, बहुत अच्छे से ब्लड भी जाएगा और आपको कंफर्टेबल भी फील होगा। तो आप इन सब चीज़ों को करके अपने थोड़े पेन्स को आप कम कर सकते हैं, बिल्कुल तो नहीं लेकिन थोड़े कम हो सकते हैं। सो रहे हैं तो आप लेफ़्ट होके नहीं मुड़ पा रहे हैं, वो सीधा आप करवट लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। स्पेशली ये मेरे साथ भी हुआ है, मैं आपके साथ क्या बोलूँ, ये मेरे साथ भी हुआ है। मेरी प्रेगनेंसी में भी एक बार जब मैं सो जाती थी तो मुझे लेफ़्ट से राइट नहीं हुआ जाता था और राइट से लेफ़्ट नहीं हुआ जाता था, या फिर वॉशरूम जाना होता था तो एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता था मेरे लिए कि कैसे मैं उठूँ, कैसे बैठूँ, उसके बाद वॉशरूम जाऊँ, क्योंकि अचानक से उठने पे बहुत ज़्यादा पेन से स्टार्ट हो जाता है, पैरों में, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, अपना बॉडी बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। ये मैं फील कर सकती हूँ, इवन सब लेडीज़ फील कर सकती है जो प्रेग्नेंट है या फिर जो प्रेग्नेंट थी, वो सारे लेडीज़ फील कर सकते हैं इस दर्द को, क्योंकि हम मुड़ना है या फिर आपको राइट मुड़ना है तो आप एक बार आराम से उठ के बैठ जाइए, उसके बाद आपको लेफ़्ट मुड़ना है तो लेफ़्ट होके सो जाइए, राइट मुड़ना है तो राइट मुड़ के सो जाइए। हाँ थोड़ा नींद आपका ख़राब होता है कि लगता है कि हाँ नींद ख़राब हो जाएगा बैठने में उठने में, लेकिन उससे ज़्यादा बेटर देन होगा जो आप पेन सहेंगे अचानक से लेफ़्ट राइट होंगे या फिर अचानक से उठ जाएंगे वॉशरूम जाने के लिए, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। अगर आप राइट सोए हैं तो सबसे पहले आप पैर रखिए नीचे, उसके बाद आप बैठिए, फिर आप वॉशरूम जाइए। इससे क्या होता है कि आपको थोड़ा पेन्स कम होगा और आपको थोड़ा कम्फर्टेबल रहेगा। अगर आप सडनली प्रेगनेंसी में करेंगे तो इससे बच्चे को भी नुकसान होने का दिक्कत है और आपको तो पेन होगा ही होगा, साथ ही साथ आपके बच्चे को भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें प्रेगनेंसी में थोड़ा आराम आराम से आप करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और नींद तो थोड़ा ख़राब होगा ही, क्योंकि पूरी प्रेगनेंसी वैसे भी नींद नहीं आती है और थोड़ा सा लगता है तो लगता है आधी ज़िंदगी तो वॉशरूम में ही गुजर जाएगी। मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ, अगर आपको भी लगता है तो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आधा देर हमें पानी पीना है और आधा देर हमें वॉशरूम जाना है, तो आधी ज़िंदगी तो इसी में कट जाती है। लगता है कि 9 महीना तो इसी में पार हो जाएगा वॉशरूम जाते जाते जाते। अगर आप इंडियन वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं तब तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है इंडियन टॉयलेट, तो आप यूज़ कर सकते हैं।
बहुत अच्छा होता है इंडियन टॉयलेट। मैं भी पूरी प्रेगनेंसी इंडियन टॉयलेट में ही गई हूँ। तो आप वेस्टर्न थोड़ा अवॉइड कर दीजिए, अगर आपके घर में इंडियन वेस्टर्न दोनों का ऑप्शन है तो इंडियन आप ज़्यादा जाइए, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा होता है प्रेगनेंसी में। कमेंट्स आते हैं कि लेफ्ट जो सोता है उसको गर्ल होता है और राइट जो सोता है उसको बॉय होता है। ये तो मेरा एक्सपीरियंस है कि मुझे राइट सोने में अभी गर्ल हुई थी और राइट सोने में भी बॉय हुआ था, क्योंकि मुझे राइट सोना ज़्यादा देर पसंद था, राइट मूवमेंट में बेबी का ज़्यादा था और मुझे सोना भी बहुत ज़्यादा ही पसंद था राइट साइड, तो मैं राइट साइड ज़्यादा ही सोती थी। तो अगर आपको भी राइट साइड सोना ज़्यादा पसंद आ रहा है और पीछे बैकग्राउंड में मेरे बेटे का आवाज़ चल रहा होगा बहुत ज़्यादा, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि वो आजकल सोता नहीं है, बहुत बड़ा हो गया तो बहुत चिल्लाता है, बहुत खेलता है, तो मुझे काम करने दे रहा है वही बहुत बड़ा बात है, नहीं तो बहुत अभी बहुत ज़्यादा बदमाश हो गया है, बहुत शैतानियाँ कर रहा है। चलिए नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर देखना है तो ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, मैं जल्दी से जल्दी उस टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊँगी। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, और मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर मैं रील्स, स्टोरी और फैशन वीडियोज़ डालती हूँ, रील्स गानों के साथ मैं डालती हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।